पाकिस्तान है या कोई नेशनल है या कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, ठीक है, यहाँ पे मेन मकसद यही है कि यूथ को एंगेज करना। आप आज के मेहमान कोर्ट पर सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करते हुए हम उनका अभिनंदन करते हैं, अरुण शर्मा जी। स्पेशल गेस्ट आज के जोरदार तालियां बजनी चाहिए। स्ट्रेट टाइम्स नीरज, जोरदार तालियां बजनी चाहिए सलाम के लिए। और सबसे पहले मैं तो मुबारकबाद दूंगा अपने इसको खुशाल गुप्ता को, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं डोडा के, उनके साथ उनकी टीम हमारे जुगनू भगत हैं, उनके साथ तिलक राज जी हैं, जुगनू भगत जो है ट्रेनर है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स डोडा के, तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा आज के इस इवेंट को कराने में, जिसमें वॉलीबॉल का हो रहा है, कबड्डी का हो रहा है, शायद टेबल टेनिस का भी हो रहा है, इसके अलावा जो है बैडमिंटन का हुआ यहाँ पे, चेस का हुआ। तो इस कहने का मतलब जो है ये चार पाँच छः गेमें जो है इनका फाइनल यहाँ पे, इनके जो मैचेस कराए, पहले इनको इन्होंने जोनल लेवल पे कराया, फिर तहसील लेवल पे, आज जो है इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनल इसके हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं। ये टीमें वहाँ से स्क्रीन होके आई है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से एक इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, खास करके डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है, और उनकी पूरी टीम को। जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, आज के वक्त में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइफ, चाहे वो आप इंडोर्स गेम्स देखेंगे, आउटडोर गेम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ की। क्योंकि आज का जो यूथ है, आज आप देख रहे हो G20 प्रेजिडेंसी का जो चल रहा है हमारा यहाँ पे, 1 दिसंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलता रहेगा ये, जिसमें हमारे डिफरेंट जो हैं फील्ड्स जो हैं, डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, और हम अपने कल्चर को, हमारी चाहे वो स्पोर्ट्स की शक्ल में हो, चाहे हमारा कल्चर हो, लैंग्वेजेस हो, चाहे हमारा वो ट्रेडिशन हो हमारे इंडिया का, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू रिफ्लेक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स का मसला है, स्पोर्ट्स का जो रिलेटेड जो है, इट इज़ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स, यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर हैं इसके, खुशाल गुप्ता जी, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि